जय हिंद। आज देखिए, हम लोग 1857 की क्रांति देखेंगे, जो हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चैप्टर से हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्रांति जो है क्या था, क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे, इसको विस्तार से समझेंगे। तो 1857 की क्रांति, यह क्रांति जो है भारतीयों और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई था। अब देखिए, ये जो है क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, मतलब आजादी की पहली लड़ाई मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी लड़ाई नहीं हुआ था अंग्रेजों के साथ, बहुत बार हुआ था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जो है कभी नहीं हुआ था। 1857 में भारत के बहुत बड़े पैमाने पर इस क्रांति को किया गया था, इसलिए इसको स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई मानी जाती है। तो इसको अच्छा से समझिए। यह जो है क्रांति होने वाला था 31 मई 1857, लेकिन कुछ कारण से यह जो है स्टार्ट हो गया था 10 मई 1857। तो पहले नंबर तो यही दोनों क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ था, तो 10 मई को, लेकिन होने वाला कब था, तो 31 मई को। इसके कुछ कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जैसे बहादुर शाह जफर, नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तांतिया टोपे, ये सब इसके महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। इसमें ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी, बेगम हजरत महल लखनऊ से, वीर कुंवर सिंह बिहार से, ये सब महत्वपूर्ण नेता थे 1857 की क्रांति के, ये सब याद करके रखें। लेकिन ये क्रांति जो है सफल नहीं हुआ, भारत जो है इसमें सफलता नहीं प्राप्त किया, अंग्रेज जो है इस क्रांति को दबाने में सफल हो गया। इसके बहुत सारे कारण है, ये बाद में बताएंगे, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि इस क्रांति में पूरे भारतीयों ने मिलकर के साथ नहीं दिया था। कुछ कुछ ऐसे रियासत थे, कुछ कुछ ऐसे राजा था जिन्होंने अंग्रेजों का खुल करके साथ दिया था, अपना सेना जो है अंग्रेज को दिया था युद्ध को दबाने के लिए। आप सोच सकते हैं ये सब कितना गद्दार था, जैसे पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद, नेपाल, ये सब जो है अंग्रेजों का साथ दिया था, ना कि भारतीयों का। यही सब कारण छोटा छोटा था जिसके वजह से भारतीय इस युद्ध में हार गया और अंग्रेज का जीत हुआ। इस यह युद्ध हुआ क्यों, इसका पहले कारण समझिए, तब हम लोग समझेंगे कि हारा क्यों। इस युद्ध का यानी इस क्रांति का पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, देखिए कभी भी बहुत बड़ा अगर गड़बड़ी हो रहा है, कोई बहुत बड़ा काम अगर होता है उल्टा सीधा, तो उसमें राजनीतिक का पहला हाथ होता है, पहला राजनीतिक जो है कारण माना जाता है। 1798 में लॉर्ड विलेजली के द्वारा एक संधि लाया गया था जिसका नाम था सहायक संधि। इस संधि में जो है सिंपल सा कहा गया था कि जो भी भारतीय राजा है वह जो है अंग्रेज से संधि करेगा, और इस संधि में जो है कहा गया था कि अंग्रेज का सेना, मतलब इसमें अंग्रेज जो है भारतीय राजा को अपना सेना देता था, इसको रखो और इसका वेतन, खिलाना पिलाना, रहना सहना, सब चीज जो है भारतीय राजा करता था। और अगर जो इस संधि को इनकार कर देता था, जो भी अंग्रेज के सेना को रखने से मना कर देता था, उसके राज्य पर आक्रमण कर देता था और उसके राज्य को जीत लेता था। तो ये एक जीतने का जबरदस्ती तरीका था, किसी भी तरह से लगा बजा करके जो है इसको हड़पना था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने लाया हड़प नीति, ये जो है उससे भी खतरनाक नियम था। इसका नाम ही था डायरेक्ट हड़प नीति, इसी को कहा जाता है व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इस नियम में क्या था कि अगर कोई राजा है, अगर उसका अपना बेटा नहीं है, अपना संतान नहीं है, अपना उत्तराधिकारी नहीं है, तो वह किसी अन्य परिवार को नहीं दे सकता है, उसका राज्य जो है
सीधे अंग्रेज के हाथों में चला जाता था, यानी उसके राज्य पर अंग्रेज आक्रमण कर देता था। तो ये सब देख रहे हैं, नियम ला करके जो है वो सिंपल सा था कि अंग्रेज को किसी भी तरह से भारतीय राजा को हरा करके उसके राज्य को हड़पना और पूरे राज्य पर शासन चलाना था। हड़प नीति के तहत जो है बहुत सारा राज्य को मिला लिया गया अंग्रेज के शासन में, जैसे सतारा, झांसी, नागपुर, जौनपुर, संभलपुर, ये सब राज्य जो है हड़प नीति के तहत ही अंग्रेज अपने में मिला लिया, जो कि बहुत ही, ये सब राजा जो है अंग्रेज से नाखुश था, असंतुष्ट था। उसके बाद देखिए दूसरा कारण माना जाता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी इस क्रांति का बहुत बड़ा कारण था। इंग्लैंड से एक क्रांति शुरू हुआ था जिसका नाम था औद्योगिक क्रांति, 1760 से स्टार्ट हुआ था। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि पहले सब काम जो है हाथ से होता था, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति आया तो नए नए बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार हुआ, जिसके वजह से सभी काम आसान हो गया और सब काम जो है मशीनों के द्वारा होने लगा। तो औद्योगिक क्रांति जब आया तो इससे भारत पे बहुत बुरा असर पड़ा। पहले जो है बहुत ज्यादा वस्त्र का उत्पादन होता था भारत में, और यहां से कपड़ा जाता था इंग्लैंड। मतलब औद्योगिक क्रांति के पहले कहा जाता है कि इंग्लैंड का कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां पे कि भारतीय वस्त्र ना हो। हर घर में जो है भारत का कपड़ा होता था इंग्लैंड में। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आया तो जो भारत से कपड़ा जाता था बन करके इंग्लैंड, उस पे बैन कर दिया कि यहां से अब कपड़ा इंग्लैंड नहीं जाएगा। उसके बाद अब इंग्लैंड जो है कपड़ा का उत्पादन करने लगा। तो इंग्लैंड जो है क्षेत्रफल में बहुत ही छोटा है, तो वहां पर जो है अगर कपास बनाएगा तो उससे जो कपड़ा बनेगा उसको खुद का इंग्लैंड का पूर्ति नहीं होगा, तो भारत में या और अन्य देशों में वह व्यापार नहीं कर सकता है। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि यहाँ पर जो है भारत में जबरदस्ती कपास और नील का खेती करवाना शुरू कर दिया, और बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद करके कपास को डायरेक्ट ले जाता था इंग्लैंड, और कारखाने में कपड़ा को बना करके और उसके बाद फिर लाता था भारत में और भारत के बाजारों में वस्त्र को बेचता था। इससे बुरा फर्क पड़ा, बहुत ही बुरा असर पड़ा कि जो भारत के छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, घरेलू उद्योग जो था जहाँ पे वस्त्र बनाया जाता था, वो सब सब जो है खत्म हो गया। जो पहले छोटा छोटा मालिक था वो अब बेरोजगार हो गया और मजदूर बन गया। तो इससे भी जो है भारतीय मजदूर किसान बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट था, बहुत ज्यादा आक्रोश था, बहुत ज्यादा गुस्से में था, और ये सब सब जाकर के 1857 में निकला। इसके बाद एक और कारण था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में भी जो है देखिए, इस कारण में जो है कुछ काम अच्छा भी हुआ, लेकिन देखिए धर्म से, परंपरा से जो भी चीज जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो, लेकिन उसको कभी गलत नहीं मानेगा कोई भी। तो वही था यहाँ पर भी। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक नियम लाया जिसमें सती प्रथा पे रोक लगा दिया। सती प्रथा ये बहुत ही खतरनाक परंपरा था। इसमें क्या था कि अगर कोई पत्नी का पति मर गया, यानी कि वह विधवा हो गई, तो उसको जो है ना पति के चिता पे जिंदे जला दिया जाता था। और ये नियम जो है इसलिए खराब था क्योंकि ये बस पत्नी के लिए था। अगर पत्नी मर गई और पति जिंदा है तो उसके लिए ये नियम नहीं था कि पति को ले जा करके पत्नी के चिता पे जला दो। बस खाली एक तरफ से होता था, पत्नी को जलाया जाता था, जिंदे पति को नहीं। तो ये नियम जो है, ये परंपरा बहुत ही शर्मनाक था। तो 1829 में इस पे अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। जब इस पे लगाया तो भी भारतीयों में जो है आक्रोश उत्पन्न हो गया कि हमारे परंपरा के साथ जो इसको खिलवाड़ करने का क्या मतलब बनता है। इसके बाद और भी कुछ काम किया था, जैसे विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा हो गई वह दूसरी शादी कर सकती है, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। उसके बाद बाल विवाह पे रोक, छोटे उम्र में ही जो है शादी करने पे रोक लगा दिया था। उसके बाद स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया था। तो इसमें कुछ अच्छा काम हुआ था सामाजिक कारण में,
कुछ अच्छा था, लेकिन भारतीयों ने इसको उल्टा समझा। और जो है ये 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। लॉर्ड मैकाले आया और अंग्रेजी शिक्षा पे काफी जोर दिया। हर जगह पे अंग्रेजी स्कूल खोला गया और वहां पे अंग्रेजी पढ़ाई होने लगा, जिसके वजह से जो है भारतीयों को लगने लगा कि ये धर्म, शिक्षा, सभ्यता सब कुछ जो है नष्ट करने वाला है और पूरी तरह से जो है अंग्रेजियत यहाँ पे लाने जा रहा है। तो अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार होने से बहुत ज्यादा भारतीयों में आक्रोश हो गया और पंडित, मौलवी ये सबको तो और ज्यादा टेंशन होने लगा, क्योंकि जैसे आर्थिक कारण में औद्योगिकरण जब आया तो जो छोटा छोटा मालिक था वो बेरोजगार बन गया, वैसे इसको भी लगने लगा कि हम लोग का भी जो चल रहा है कोचिंग क्लास स्कूल में जो जाकर के पढ़ाते हैं संस्कृत, उर्दू, फारसी, लगा कि अंग्रेजी जब शुरू हो जाएगा तो अंग्रेजी तो हम लोग को आता नहीं है तो हम लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए पंडित, मौलवी ये सब मिल करके जो है जो अंग्रेजी स्कूल होता था उसको कहा शैतानी दफ्तर, बोला यहाँ जो भी पढ़ेगा वो इंसान नहीं शैतान है और सबसे पहले जो है यही सब नरक में जाएगा। देखिए सिंपल सा, किसी को भी डराने का सबसे सिंपल तरीका है उसको बोल दीजिए कि अगर तुम ये काम करेगा तो सीधे नरक में जाएगा। उसको कोई नहीं पता है कि जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन डायरेक्ट बोल दो कि सीधे नरक में जाएगा, वो काम जो है कभी नहीं करेगा, उसका अंदर में जो है इतना डर बैठ जाएगा वो कभी कर ही नहीं सकता है। तो ये सब जो है कारण था, सामाजिक कारण। फिर उसके बाद अगला था धार्मिक कारण। देखिए अंग्रेज का धर्म जो होता है उसको कहा जाता है ईसाई धर्म। 1813 ईस्वी में एक एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें पादरियों को भारत आने की अनुमति मिल गया। जैसे हिंदू धर्म में जो है पूजा कराने वाले को पंडित कहा जाता है, पंडित पूजा कराता है। मुस्लिम धर्म में जो है आपका ये मौलवी कराता है, तो वैसे ही होता है ईसाई धर्म में पादरी, पूजा पाठ कराने वाला पादरी होता है, और जहां पे पूजा पाठ होता है उसको चर्च कहा जाता है। तो 1813 ईस्वी में एक एक्ट आया जिसमें कि पादरियों को भारत आने की अनुमति दिया गया कि यहाँ आ करके आप पूजा पाठ कराइए, चर्च में रहिए, जिसके वजह से जो है बहुत सारा चर्च जो है खुल गया, वहां पे जो है पूजा पाठ होने लगा। तब जो है यहाँ पे एक और नियम लाया गया 1850 ईस्वी में। इस नियम में था कि जो भी ईसाई धर्म अपनाएगा, ईसाई धर्म में कन्वर्ट होगा, उसको कभी भी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब पिता के संपत्ति में उसका पूरा हक रहेगा, कभी जो है उसके संपत्ति से छेड़छाड़ अंग्रेज नहीं करें, ऐसा नियम था। ये सब जो है सिंपल सा ईसाई धर्म के बढ़ावा देने के लिए नियम लाया जा रहा था और इसका कोई मतलब नहीं था, जिसके वजह से समाज पे या भारतीयों पे बहुत ही बुरा असर पड़ा। और ये सब जो है गुस्सा जो बनते जा रहा था ये सब जा करके 1857 की क्रांति में निकला। चार कारण समझ में आ गया, तो पांचवा कारण समझिए, सैनिक कारण। सैनिक कारण जो है बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि 1857 की जो क्रांति शुरू हुआ था वह सैनिकों के ही कारण से हुआ था। तो सैनिक कारण में था कि अंग्रेज सैनिकों के साथ एक समान बर्ताव नहीं करता था, काफी भेदभाव होता था। अंग्रेजी सैनिक जो होता था उसका वेतन ज्यादा दिया जाता था, भारतीयों को कम दिया जाता था। पोस्ट में भी अंग्रेजी सैनिक को ऊंचा ऊंचा पोस्ट पे रखा जाता था, डीएम, एसपी, कमिश्नर, और भारतीयों को जो है नीचा पोस्ट, चौकीदार, हवलदार, ये सब पोस्ट पे रखा जाता था। साथ ही संख्या में भी भेदभाव था। जब भर्ती होता था तो अंग्रेजों की भर्ती ज्यादा लिया जाता था और भारतीयों का कम लिया जाता था। तो ये सब बहुत ज्यादा भेदभाव चल रहा था, जिसकी वजह से सैनिक काफी असंतुष्ट था और यही सब 1857 की क्रांति का कारण बना जाकर। उसके बाद है छठा कारण, तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण का मतलब हुआ कि 1857 के टाइम में जो है कौन सा कांड हुआ था जिसके वजह से क्रांति का रूप ले लिया, मतलब एकदम चिंगारी की तरह कौन सा कारण था। आग में घी का काम कौन किया था, तो उसमें दो चीज था,
एक था अफवाह और एक था चर्बी वाला कारतूस। देखिए अफवाह का मतलब हर जगह पे अफवाह उड़ाया जाता है, भारत में तो, और इसका अफवाह का एकदम कुछ कहना ही नहीं है। ये कहीं पर भी जो है आसानी से किसी के पास भी बोल दीजिएगा, अंधाधुंध विश्वास कर लेता है। उस टाइम में जो एक अफवाह उड़ाया गया था कि बाजार में जो आटा और चीनी मिलता है उसमें गाय और सुगर के हड्डी का चूरा मिला हुआ है, हड्डी को चूर करके उसमें मिलाया गया है। असम का कलर सेम होता है सादा, आटा का भी चीनी का भी और हड्डी का भी, तो सबको विश्वास भी हो गया आसानी से कि ये जो है अंग्रेज जिस तरह का नियम कानून और जिस तरह का अत्याचार कर रहा है और ईसाई धर्म का जिस तरह से विस्तार हो रहा है कि ये सही में जो है हम लोगों के धर्म को नष्ट करने के लिए ऐसा कर रहा होगा। इसलिए ये अफवाह जो है काफी सफल हो गया, हर आदमी इस पे जो है आसानी से विश्वास कर लिया। देखिए भारत में अफवाह पे विश्वास करना बहुत बड़ा चीज नहीं है। अभी देखा होगा कोरोना में जब इसमें एक अफवाह उड़ाया गया था कि मतलब कोरोना वायरस जो है मुर्गी खाने से हो रहा है, तो बहुत ज्यादा जो है मुर्गी उर्गी को देखो देखे होंगे कि उसको पूरा जो है ट्रक का ट्रक एकदम ले जा करके जो है ना जमीन के अंदर गाड़ रहा था। कोरोना के समय में मुर्गा को कोई पूछ ही नहीं रहा था, पूरा सस्ता भी हो गया था, और जबकि मुर्गा का जो है कोरोना से बेचारा का दूर दूर तक लेना देना कुछ नहीं था, उसका कोई उसमें गुनाह नहीं था, लेकिन ऐसा ही अफवाह फैला दिया गया और आदमी उस पर विश्वास भी किया था। उसके बाद था चर्बी वाला कारतूस। देखिए अंग्रेज पहले जो बंदूक यूज करता था उसका नाम था ब्राउन बेस, उसको चेंज करके जो है एक नया बंदूक लॉन्च किया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में जो है जो बारूद भरा होता था, जो बारूद भरा जाता था तो उस बारूद के मुंह पे जो है ना एक कवर लगाया जाता था जो गाय और सुअर के चर्बी का बना होता था, तो उस कारतूस को जो है ना बंदूक में डालने से पहले मुंह से उसको खींच के छोड़ाना पड़ता था, तो उसके बाद उसमें डाला जाता था। जब ये बात सबको पता चला कि ये कारतूस के जो मुंह पे जो है चर्बी का मतलब लगा हुआ है लेप, तब जो है सैनिकों में बहुत ज्यादा भयानक आक्रोश उत्पन्न हुआ और मंगल पांडे जो एक सैनिक था जब उसको पता चला तो जा करके इसको पता लगाया गया पूरा अच्छा से नहीं, जा करके वो अपने खुद आंखों से जब देखा तो ये बात जो है सही निकला, और उसके बाद जो है इस राइफल को प्रयोग करने से मंगल पांडे ने मना कर दिया था, और इसके बाद जो है फिर क्रांति जो है धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया और पूरे भारत में ये फैल गया। तो इसके आगे जो है बाद में समझेंगे, यहां तक पूरा याद करके रखिएगा। तो समझ में आ गया होगा कि 1857 के क्रांति के 6 जो है महत्वपूर्ण कारण थे, जिसमें बता दिए हैं। पहला कारण था राजनीतिक कारण, पहला कौन सा कारण था राजनीतिक कारण। दूसरा आपका कारण था आर्थिक कारण, तीसरा था सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, चौथा था धार्मिक कारण, और पांचवा हो गया सैनिक कारण, और छठा हो गया तात्कालिक कारण। तो ये 6 कारण था जिसके वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। इसको पूरा अच्छा से याद करके रखिएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन में ये हमेशा पूछता है। 1857 की क्रांति का कारण को विस्तार से लिखिए।